इधर। आज मेरी गाड़ी भी चमक ही रही है भाई। जय श्री राम। जा रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक फिर से लंबी राइड। आज आउट ऑफ सिटी है, आज कानपुर में नहीं है। कानपुर से 35 से 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर पड़ता है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं अपने दोस्त मनु के यहाँ। लेकिन उससे पहले एक दोस्त के यहाँ और जाना है, तो पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद मनु के यहाँ जाएंगे। 12:30 एक बजने वाला है, तो हमें उसके पास पहुंचना है 3 बजे। इसलिए दोनों दोस्तों के पास होते हुए हम पहुंच जाएंगे 3 बजे। तो अभी तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, 40 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे घाटमपुर। उसके बाद जाना है हतेई, एक गांव का नाम है हतेई, तो वहां जाना है। क्या हुआ मैडम, बड़े गौर से देख रही हैं, बड़ा हरामी हो। ये नई रेलवे लाइन बनी है, तो ये पता नहीं कि है कहाँ की, ट्रेन निकलती भी है या नहीं निकलती। आज तक तो हमने निकलते नहीं देखी है। रोड पे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज कि ये सिंगल रोड है भाई, ना ही बीच में कोई डिवाइडर है ना कुछ है। ये देखो, जैसे इनका यहाँ दिया मुड़ गया, इस वजह से इस रोड पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बैठ जाओ भाई, चले आ गए लगभग घाटमपुर है। हाँ आ गए। अब जो है हमें, जो मेरा दोस्त जिसके यहाँ पर्सनली हम आए हैं, जिससे मिलने जाना, वो थोड़ा आगे है, वो करीब करीब 10 किलोमीटर आगे। पहले उसी के यहाँ चलते हैं। मैं 6 साल पहले करीब गए थे, तब भी हम अकेले नहीं गए थे, उसके साथ ही गए थे। और तब से अब जा रहे हैं तो थोड़ा सा पूछ के जाना पड़ेगा। गाँव का नाम ज़रूर पता है, हतेई करके है। उसके बाद देखते हैं यहाँ तक आए तो फिर पहुँचेंगे तो ज़रूरी। आगे चौराहे से हमें लेफ्ट लेना है। यार तुम ही पहले आ जाओ, हमारा तो बाद का है। ए इधर, ऐसी टक्कर मारेंगे तो भी टेढ़ी हो जाओगी। बात तो सही है, पहने चली आ रही बुरखा। एक तरफ देख ली मैंने, एक तरफ कोई नहीं आ रहा, दूसरी तरफ चाहे कोई पेल दे। यही है क्या? हाँ यही है भाई, हाथ देना चाचा। ओ हतेई जाना है सीधा, क्या किलोमीटर होएगा? पड़ेगा 15 किलोमीटर। हाँ। गलत डिसीजन ले लिया। भैया हतेई कितनी दूर है? अबे भैया अभी पिछले पहले बता रहे थे, वो भी 7 किलोमीटर बता रहे थे। अच्छा, हतेही कितनी दूर है भैया? हतेही गांव कितनी दूर है? हाँ मतलब 2-3 किलोमीटर होएगा। चलो, उम्मीद की किरण थोड़ी सी जग रही है यार, फिर भी काफ़ी दूर है। हाँ ये बड़ा देर बाद पहुँचे हुए है, इन्हीं कहीं में से है कोई। हाँ ये यहाँ तो मैं लगता है कोई रहता ही नहीं है। अमित का घर है ये ना? हाँ वो नहीं आते थे कानपुर से? हम शिवा अमित रहते ही नहीं है ना, नंबर आए वो करना हमारे लगे फोन लेना, वो कहते हम अपना नंबर लिख के दिए देना, जब आए तब दे देना। हम ये नहीं कह रहे कि आप जब आए तब दे देना। हाँ हम अपना नंबर लिख के दिए देना। हाँ गाइडर तुम भाई चले
झाड़ू काम हो गया यार कसम से, हमें तो लगा था मिल ही जाएगा। चलो ठीक, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कांटेक्ट ही नहीं होगा उससे, मतलब ना नंबर ना फ़ोन ना कुछ। भाई मेरी किस्मत इतनी झाटू होगी, हमने ये सोचा नहीं था, क्योंकि घाटमपुर से जब मुड़े थे तब उन्होंने बताया है कि, हमें लगा था हथेई गांव जो है वो करीब होगा 6-7 किलोमीटर होगा, उनने कहा कि 15 किलोमीटर दूर है, और 15 से हम आ गए 17 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये उम्मीद में कि जो दोस्त है अमित वो मिलेगा, हमें ऐसा लग रहा था कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम उसका नंबर या कुछ ऐसा कांटेक्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत इतनी झाटू थी, हमने सोचा भी नहीं था कि दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। अब हमें उस दोस्त के यहाँ जाना है जहाँ के लिए हम निकले हैं, क्योंकि उसका 3 बार फ़ोन आ चुका है। जना भैया नवेड़ी जाना है, धन्यवाद। नवेड़ी आगे के तो कहाँ जाएं, नवेड़ी यही है, इधर से कोई रोड है यार जाने का है। वो कह रहा है कि सीधे चले जाना आरसीसी रोड मिलेगी, पता उल्टे हाथ में, लेकिन वो कह रहा दिखेगी नहीं। सरैया जाना है सीधा, आगे मुड़ जाएं। ये मिल गई। लेकिन यार ये आरसीसी नहीं है, ये है तो डामर, ये भी एक वो रास्ता है, एक ये पूछो, फ़ोन मिलाओ। ओ भाई सरैया यही है, अबे ले भाई सिद्धार्थ, आएगा ना वो, आएगा है, कहाँ जाना भाई मन्नू के यहाँ जाना है। अरे उनके यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, अग्नोत्री है, अग्नोत्री है वो, इस रोड पे। अच्छा 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 ठीक है, धन्यवाद भैया। सिद्धार्थ कैसी फीलिंग आ रही भाई? भाई चल रहा है, वहीं से चल रहा है, पहचान ले यार कोई। हाँ जान गए, यही है, हाँ यही है। मनु कहाँ है भाई, मनु? अबे आज वहीं रहे थे भाई, पानी के पिला यार, बहुत तेज प्यास लग रही है भाई। पहुंच गया है मन्नू के यहाँ, अभी इनके यहाँ चल रहा है रुद्राभिषेक, तो अभी बाद में दिखाते हैं आपको सब कुछ। कम चल रहे हैं, ठीक चलो बाय। तो भाई जहाँ हम आए रुद्राभिषेक में, तो वहाँ से तो हमारा ख़त्म हो गया कंप्लीट, और अभी निकल रहे हैं घर के लिए यानी कानपुर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, अच्छे से व्लॉग में, कहीं घूमने जाते हैं या फिर और कहीं कानपुर का या कानपुर के बाहर का, तो आपको दिखाते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।